अभी इस तरह है, इससे पहले जाहिर है सियासत में जनाब अली कंप्लेंट चलाने में बहुत कुछ बोला जाता था, थोड़ा सा बहुत जनाब अली एक दूसरे के जीतने के लिए कमजोरियां भी बताए, यदि कुछ होता कुछ न कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जनाब अली इंतखाब के बाद आप पूरे कौम का एमएनए है, ठीक है ना, आप इस इलाका के एमएनए है, शिया के भी है, सुन्नी के भी है, जिसने आपको वोट दिया है उसका भी, जिसने नहीं दिया उसका भी है। और इसी तरह जलाल भी जो है ये कोई मामूली सीट नहीं है, बहुत बड़ा कौमी जनाब अली तर्जुमान है, कौमी तो पूरी कौम इसके साथ है। तो अगर आप लोग खुदा न खास्ता साबिका जनाब अली सियासी जनाब वो मसाइल को मद्देनजर रखकर खुदा न खास्ता अगर आप लोगों के आपस में हमाहंगी यकजहती न हो तो आप भी नाकाम होंगे, ये भी नाकाम होंगे, ये भी बहुत जनाब अली लोग इनकी भी मजम्मत करेंगे, कोई मसला हल नहीं करेंगे तो आपके भी जनाब अली 5 साल के अंदर जनाब अली कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इनके बादों है, ये आपके बादों है, अगर आप मुखलिस है इस इलाके के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर अखलास है, जलाल के अंदर अखलास है तो आप इनकी हिमायत करें, ये आपकी हिमायत करें। अगर कोई साबिका मसाइल को अगर आप लोग छेड़ेंगे जाहिर है पता ये चलता है कि आप कौमी नुमाइंदा ने, न आप कौमी नुमाइंदा न ये कौमी नुमाइंदा है, आप किसी पार्टी के है जनाब अली बातें किए तो ये जनाब अली आप लोगों की नाकामी होगी। तो इसलिए आप लोग मिलकर ठीक है नहीं मसाइल को हल करें, अमन के मुताबिक कदम उठाएं, और जो मसाइल साल से इस तरह पड़े हैं जनाब ये आपकी भी जिम्मेदारी है, इनकी भी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन आप जो है गवर्नमेंट के हिस्सा है तो आप अपनी जितनी ताकत हो सकती है, जितने सलाहियत है, आप दोनों बरोए कार लाएं और मोमिनीन के लिए कुछ करें, कोई आपके लिए एक सदका जारिया होगा।